नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। हम सबके सुख दुख के साथी, हमारे संरक्षक, माननीय प्रधानमंत्री जी, हास परिहास के पल भी अंतरंग वार्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखों में आधी आबादी के जीवन को बदलने के सपने झिलमिला रहे हैं। बढ़ता हुआ आत्मविश्वास, उल्लास से चमकती माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखें और पूरे भाव से किया जा रहा संवाद, हास परिहास के पल सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और विकास का आश्वासन देती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि, बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल। कोई छूटने न पाए, जो पीछे बैठा है वहां तक भी माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि पहुंचती है, सबको अपनी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। अनूठा उत्सव है ये, अद्भुत आयोजन। जिन्हें अब तक बोलने का साहस भी नहीं था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कितने विश्वास के साथ, अपनेपन के साथ वो अपनी बात कह रही हैं। ममता से भरी हुई आंखें माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो आश्वस्त कर रही हैं उनके आत्मनिर्भर स्वर्णिम भविष्य के लिए। बिल्कुल अनौपचारिक माहौल, आप देख सकते हैं जैसे परिवार में बात हो रही है, अपने अभिभावक के साथ बात हो रही है। हम सबके प्रेरणा स्रोत, हमारा अभिमान है माननीय प्रधानमंत्री जी, उनसे हमारा स्वाभिमान है। अपने अपने गांव की बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा रही हैं।
सहज सरल आत्मीय वार्तालाप। पूरी गंभीरता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी सबकी बातों को सुन रहे हैं। सब में जोश भर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन हमारी बहनों को मिल रहा है, बीसी सखियों को मिल रहा है कि किस तरह वो अपने गांव के विकास में अपना योगदान दे सकती हैं। नन्हे से बच्चे पर अपनी ममता लुटाते माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका ये ममतामयी रूप घर का अभिभावक अपने सदस्यों से मिल रहा है, माताओं और बहनों से मिल रहा है। किसी ने कुछ निवेदन किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी शायद ऑटोग्राफ दे रहे हैं या कुछ लिख कर दे रहे हैं। सभी का आग्रह स्वीकार करना, बीसी सखियों से मिलने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों से जुड़ी हमारी बहनों से मिलेंगे। सभी के चेहरे पर एक संतोष का भाव प्रसन्न।